अस्सलामुअलैकुम गाइस, ये देखे मोहम्मद अयान अरमान और ये है अजान। अजान अजान जो है ना, आज अजान की तबीयत ठीक नहीं है, अरमान की भी ठीक नहीं है और अयान की भी। तीनों जो है ना बीमार हो गए हैं क्योंकि इन्होंने पिए कोल्ड ड्रिंक खूब बहुत ज़्यादा, तो इसलिए जो है ना ये बीमार हो गए हैं। अभी मैं इन तीनों को ब्रोफेन का सीरप पिलाने लगी हूँ और आज हम जाएंगे अपनी दोस्त के घर पर भी। तो आप लोगों ने इसी तरह हमें लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज मैं जा रही हूँ अपनी दोस्त के घर अपनी जेठानी के साथ, और जेठानी की भी वो दोस्त हैं, बहुत अच्छी बहुत ही अच्छी दोस्त है उनकी, और पहले उनकी दोस्त थी बाद में मेरी बनी, तो लेकिन दोस्त दोस्त होती है। तो भाभी जाएंगी हमारे साथ, तो हम लोग जाएंगे, बड़ा मज़ा आएगा, इन्जॉय करेंगे, जो भी एक्टिविटी होगी आप सबसे शेयर करेंगे। तो आप लोगों ने इसी तरह हाँ हमें लाइक करना है। तो चलिए मैं अपने बच्चों को पहले दवाई पिला देती हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम पिलाएंगे अयान को। अच्छा अच्छा निकाल तो लो। चले फिर पिलाते हैं वरना गिर जाएगी। जी तो भाई अब अजान और अयान और अरमान लगाने लगे थे मेरे पाँव पर अर्क, तो इनको शौक हो रहा था मम्मा अर्क लगाना है, हमें अर्क लगाना है आपके पाँव पे। मैंने बोला चलो है हाथों पर, तो मैंने लगा लिया पाँव पे जो है ना, आप लोग लगाओ अयान। तो फिर अयान ने जो है ना पाँव पर लगाया, फिर हम लोग शाजाबाजी के आ गए थे और यहाँ पर आके इन्होंने हमारे लिए नाश्ता लगाया था, जिससे कि चाय का टाइम था शाम में 5 बजे। तो फिर इन्होंने ये नाश्ता लगा लिया था, केक मंगा लिए थे बच्चों के लिए और पापड़ वगैरह तल लिए थे, दाल मोटे जैसे कि चिप्स वगैरह। तो फिर हमारे बच्चे जो है ना खेलने में लग गए, ये जरियान के जो शाजाबाजी उनके बेटे हैं उनके जरियान, उनके काफ़ी अच्छे टॉयज थे ये ब्लैक वाले, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे बच्चों को। गाड़ी वाड़ी बनती थी इससे, बोट बन रही थी, काफ़ी चीज़ें बन रही थी, रोबोट वगैरह। तो बच्चों को शाजाबाजी ने ये निकाल के दे दिए टॉय और उनसे ये खेलने लग गए। तो फिर इन्होंने थोड़ा सा कम किया सताना, हमें परेशान करना, वरना बच्चे बहुत तंग कर रहे थे जैसे कि सब मिल जाते हैं तो ज़्यादा शरारतें करते हैं, तो बस उसी तरह ये लोग शरारतें कर रहे थे। और मेरे बेटे ज़्यादा तंग करते हैं, मकसद गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, खिलौने चाहिए। तो शाजाबाजी इनको निकाल निकाल के दे देती थी, तो फिर अब मैंने सोचा कि ये लोग तो तंग करे जा रहे हैं, तो मैंने बोला शाजाबाजी इनको कोई चीज़ ऐसी दे दो ताकि ये बेटी सुकून से खेल लें। और फिर वो शाजाबाजी ने इनको ब्लॉक दे दी और माशाल्लाह से फिर ये लोग खेलते गए। और यहाँ पर ये शाजाबाजी का बेटा है जो है ना इनको बोर्ड वगैरह बना के दे रहे हैं और दिखा रहे थे, तो बहुत ही ज़्यादा इनको मज़ा आया। ये शाजाबाजी का घर है, ये लोग सब जो ना एक साथ रहते हैं। और ये अजान को मैंने फिर सुला दिया था, अजान को गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा, फिर लाइट आई तो ये सो गए माशाल्लाह थोड़ी देर। और सूट में रेड ये इसीलिए पहन के गई कि मेरी जेठानी ने भी यही पहना था, तो फिर मैंने सोचा मैं भी यही पहन लूँ रेड, वरना मैंने अपना दूसरा प्रेस किया था, दूसरा निकाला था, फिर मैंने सोचा वो भी रेड पहन दी, मैं भी यही पहन लूँ, एक जैसे हो जाएंगे, तो बस इसी तरह इसीलिए मैंने वही पहन लिया। और देखें ये कितनी प्यारी बर्ड बन गई माशाल्लाह, और बहुत ही अच्छे अच्छे इससे चीज़ें हम बना सकते हैं। और ये बाई के हैं मतलब टॉय, और बाजी ने जो है ना पाए बनाए थे और मेरा पाए खाने का कसम से बहुत दिल चाह रहा था। 2-3 दिन से मैं कल अपनी जेठानी के घर पर गई तो उन्होंने अपनी उनके खाला ने पाए भेजे होंगे उनके पास, तो उन्होंने वो गर्म किए थे और खाना भी बनाया था मेरे लिए, फिर उन्होंने वो भी गर्म कर लिए थे, बहुत ही मज़ेदार लगे थे और माशाल्लाह बहुत अच्छे बनाए हुए थे उनकी खाले ने भी, तो फिर वो खाए थे हमने। तो मैं याद ही कर रही थी कल पाए, तो शाजाबाजी ने भी जब हम लोग गए तो उन्होंने भी पाए ही बनाए हमारे सामने, उन्होंने पकने के लिए रखे थे, मतलब सुबह में 11 बजे रखे होंगे, तो फिर वो कहने लगी 2 बजे तक पक गए थे आराम से। तो फिर 4 बजे हम लोग पहुँच गए थे उनके घर पर, तो फिर उन्होंने मेरी जेठानी ने कहा कि मुझे पाए, तो मैंने तो जैसे खाने नहीं है मुझे पाए इतने पसंद नहीं है, तो फिर उन्होंने उनके लिए बिरयानी बनाई और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त उन्होंने माशाल्लाह से अच्छा खाना बनाया था शाजाबाजी ने, बहुत अच्छा लगा था हमें। फिर हम लोग वहाँ से निकले तो बीच में जो है ना ये
छोटा सा हमें पार्क नज़र आया जिससे बच्चे जो है ना पीछे लग गए, चलो मम्मा चलो ताई अम्मी चलो 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 बड़ी अम्मी, तो फिर इनकी बड़ी मम्मा जो है वो फिर कहने लगी चलो चलते हैं बच्चों थोड़े से इंजॉय कर लेंगे जब तक हमारी लाइट गई हुई होती है, और लाइट भी आ जाएगी घर पर। फिर हम लोग रात के 12 बजे जो है ना आए इन बच्चों को घुमा फिरा कर, माशाल्लाह से बहुत ही मज़ा आया। और काफ़ी रश लगा हुआ था पार्क में भी, काफ़ी लोग आते हैं यहाँ कराची में छोटे मोटे पार्क में। तो फिर बस हमें बड़ा मज़ा आया और फिर हम अपने घर गए और अल्लाह हाफिज़।